दोस्तों 15 नवंबर को पोलैंड के एक एरिया को दो मिसाइल्स अननोन ओरिजिन से आकर हिट करती हैं। इस एरिया से यूक्रेनियन बॉर्डर मात्र 4 से 6 किलोमीटर दूरी पर था, जिस वजह से दो लोगों की जान चली गई। दोस्तों पोलैंड एक नेटो मेंबर है और नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर एक आर्म्ड अटैक होता है तो वो अटैक बाकी सभी मेंबर्स के ऊपर अटैक कंसिडर किया जाएगा। और इसीलिए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की इस बात पे पूरे वेस्ट को कन्विंस करने लग गए कि ये मिसाइल अटैक रशिया ने किया है। पर बाद में नेटो ने ये बात कंफर्म करी कि जो दो मिसाइल्स फायर करी गई हैं वो रशिया से नहीं बल्कि यूक्रेन ने फायर करी हैं। पर ज़ेलेंस्की इतना डेस्परेटली क्यों चाहते थे कि रशिया का नाम इस अटैक के पीछे आ जाए? उसका रीजन है दोस्तों, नेटो का इंटरेस्ट अब इस वॉर में कम हो रहा है। रशिया ने अपने मिसाइल अटैक्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया है और उसके ऊपर से विंटर इज कमिंग। इस एनर्जी क्राइसिस में यूक्रेन के लिए इस वॉर को कंटिन्यू कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि नेटो इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, जिससे ये वॉर जल्दी खत्म हो।